जीतने के बाद कुमारस्वामी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं अनैतिक गैर संवैधानिक तरीके से उनको कल के ट्रस्ट वोट में कोई राहत नहीं मिलेगी। वो कल के वोट में वो अपनी मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन विधायकों पर कोई दबाव नहीं है कल ट्रस्ट वोट में जाने का। तो इसका मतलब है कुमारस्वामी के पास बहुमत प्राप्त नहीं होगा। कुमारस्वामी का घर जाना कल तय है। एहतिशाम खान हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। एहतिशाम, कुल मिलाकर सरकार को तो ये बहुत बड़ा झटका है और जो अब स्थिति बनती नजर आ रही है, अगर ऐसे में स्पीकर इस्तीफा ये स्वीकार कर लेते हैं तो कितना बड़ा झटका लग सकता है? क्या ये माना जाए कि बीजेपी की सरकार वहां आ सकती है और कर्नाटक सरकार अब किस तरीके से दाव चल सकती है कि स्थिति उनके पक्ष में हो सके? देखिए, उनके पास अब कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो फ्लोर टेस्ट कराएं, और फ्लोर टेस्ट कल ही होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि 18 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा और तब तक कि उन्होंने ये इजाज़त मांगी थी कि हम जो रेजिग्नेशन है उस पर हम सोचेंगे कि किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसके लिए वक्त मांगा था। तो कोर्ट ने उनको बैलेंस कर दिया, कहा ठीक है आप अपने हिसाब से रेजिग्नेशन का फैसला लें, लेकिन फ्लोर टेस्ट चूँकि हलफनामा देकर उन्होंने कहा है कि कल होगा तो वो कल होगा। और जिस तरह से अब उन 15 बागी विधायकों को छूट दी गई है कि वो अटेंड करें हाउस या ना करें, और अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो जाता है तो इन सभी स्थितियों में किसी भी तरह से सरकार के पास वो आंकड़े नहीं है। कल का दिन बहुत अहम होता है, अगर फ्लोर टेस्ट कल होता है तो सरकार को बहुमत साबित करना होगा, अगर ऐसे में नहीं होता तो संकट जो है उनकी कर्नाटक सरकार पर गहराता हुआ नजर आ रहा है।